राज्यसभा नामांकन का आज अंतिम दिन, बीजेपी की ओर से दो उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किया गया। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने अपना नामांकन भरा। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस मौके पर मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की और साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कौन है चुन्नी लाल गरासिया। उदयपुर ग्रामीण से दो बार विधायक रहे। भैरव सिंह शेखावत की सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री और खान राज्य मंत्री थे। आपको बता दें राजनीति में आने से पहले चुन्नी लाल गरासिया बैंक में एलडीसी थे। गरासिया संघ पृष्ठभूमि में काफी मजबूत माने जाते हैं। गरासिया संघ पदाधिकारियों के काफी करीबी है। साथ ही आपको बता दें मदन राठौड़ को लेकर, तो मदन राठौड़ सुमेरपुर विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे। मदन राठौड़ आरएसएस से जुड़े रहे हैं। पिछली बीजेपी सरकार में उप मुख्य सचेतक थे मदन राठौड़। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, दो प्रत्याशी दो उम्मीदवार बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं, दोनों ने नामांकन अपना भर दिया है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? हाँ देखिए, बिल्कुल, भाजपा के दोनों जो उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। दोनों विधायकों के लिए 30-30 जो विधायक हैं उनका एक 10-10 का सेट तैयार किया गया, यानी कि प्रस्तावक और समर्थक 30 समर्थक और विधायक दोनों के लिए हुए 30-30 अलग अलग उनके सेट जमा हुए हैं। समर्थक के तौर पर जो होते हैं प्रक्रिया होती है और इसके बाद अब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन शायद सीएम के साथ वो अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी राजेंद्र राठौड़ जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उसी दौरान उनके पास अंदर से मैसेज आता है तो वापस वो अंदर फॉर्म चले गए हैं। वैसे में माना जा रहा है कि जो दोनों प्रत्याशी हैं और कुछ भाजपा के नेताओं के साथ सीएम मीटिंग कर रहे हैं अंदर विधानसभा में और इसके बाद अब वेट उन दोनों उम्मीदवारों की, उनसे मीडिया बात करेगी। लेकिन लगातार जो बात हमारी अन्य नेताओं से उनका ये कहना है कि अच्छा प्रयोग किया है, जमीनी धरातल के कार्यकर्ताओं को मौका दिया है जी। और कोशिश यही है कि विधानसभा में जब जाए तो राजस्थान की धरती से जाएंगे तो राजस्थान की भूगोल को समझेंगे, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को समझेंगे, तो यहाँ के बारे में जो है चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। ऐसे में पार्टी ने उन नेताओं को जगह दी है जो न केवल राजस्थान के भूगोल से संस्कृति से परिचित है बल्कि जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है तो वास्तविकता से परिचित है। ऐसे में ये एक अच्छा प्रयोग कहा जा रहा है। के तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर बार अधिकतर कोशिश ये की बाहर के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन पार्टी ने इसके अतर प्रयोग करते हुए अपने ही राजस्थान के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और चूंकि जैसा सौरभ लग रहा है जो सियासी तस्वीर है उससे एक बात साफ है कि इन्हों प्रत्याशियों का चयन निर्विरोध हो जाएगा और चुनाव यानी कि वोट की नौबत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाजपा ने साबित भी किया कि हर कार्यकर्ता का ध्यान रखा जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं जमीनी स्तर से जुड़े हुए दोनों कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं पीछे जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस की है दोनों के पीछे ही, वो भी एक बड़ा कारण रहा कि इन दोनों को चुना गया राज्यसभा भेजने के लिए। हाँ देखिए, मतलब दोनों ही पृष्ठभूमि जो आप बात कर रहे हैं जिनका संघ से जुड़े हुए नेता रहे और दोनों ही मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया और जमीनी धरातल के नेता है, एक या ओबीसी वर्ग से आते हैं तो एक एससी वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में ये वो नेता है जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े रहे हैं, कोई बहुत बड़े राजघरानों से जिनका कोई संबंध नहीं है या जिनका कोई खुद के अलावा कोई बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड उनके परिवारों का नहीं है। तो आप देखिए मदन राठौड़ के साथ तो चूंकि उन्होंने फॉर्म भर दिया था तो खुद पीएम मोदी ने के कहने पर उन्होंने फॉर्म को विड्रॉ किया था, कई बार कहते भी हैं कि उनके आदेश जैसे आया आनंद शर्मा ने वापस कर लिया। लेकिन आप देखिए कितना गोपनीय फैसला होता है सौरभ, कि खुद जो दोनों कैंडिडेट हैं उनको भी नहीं पता था कि उनको मैदान में उतारा जा रहा है। मदन राठौड़ ने बताया था कि 5 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आता है कि आपको राज्यसभा से उम्मीदवार बना रहे हैं और उसके बाद 5 मिनट बाद उनके मोबाइल पर लिस्ट आती है, दोनों के नाम आते हैं। तो कितने गोपनीय फैसला इन दिनों सियासत में हम देखने को देखते आ रहे हैं कि और की बात छोड़िए जिनको मैदान में उतारना है उनको ही नहीं पता है कि उनको राज्यसभा का कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया, गोपनीयता की प्रक्रिया या कह सकता हूँ कि एक सौरभ की अनुशासन का बिल्कुल लाल सिंह बिल्कुल सरप्राइजिंग पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है और जिस तरह से आरएसएस की पृष्ठभूमि से संघ की पृष्ठभूमि से दोनों नेताओं को राज्यसभा भेजा गया है तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी महती भूमिका आरएसएस की रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बिल्कुल, लगातार पार्टी जिस मोड़ पर चल रही है सौरभ उसमें इस बात को तो मानना पड़ेगा कि अब तमाम चाहे सीएम बनाए गए हो तीनों राज्यों के जी वो सभी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, विचार परिवार से आते हैं, तो एक विचार इसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। कोशिश यही है कि आगे 30 पदों की बात हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के कैंडिडेट की बात हो, चाहे सीएम के चयन की बात हो, चाहे वो राज्य पास बनाने की बात हो,
इन तमाम पदों पर अभी रियासत जो विचार परिवार से जुड़े लोग हैं, जो विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो देखने को मिलेगा लोकसभा के चुनाव में कि कैसे लोकसभा प्रत्याशियों का चयन होगा, उसमें भी संघ की बड़ी भूमिका आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।